त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। Yes guys, so very good afternoon everyone, very good afternoon. चलिए, so जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। क्या मैं सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? सो प्लीज गाइस एवरीवन, जितने भी कैंडिडेट कनेक्टेड हो चुके हैं सभी से मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रॉपर तरीके से आवाज आनी चाहिए। क्या सभी मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एवरीथिंग इज फाइन। सो चलिए गाइस, देखिए सभी को मालूम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए 496 अराउंड 500 के आसपास एक मेगा वैकेंसी है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपना फ्यूचर बनाने का, जो एक बहुत ही स्टेबल और इस समय रिस्पेक्टेबल सुकून वाला जॉब माना जा रहा है दोस्तों। और इस सभी के लिए हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो, मिक्स्ड क्वेश्चन पर बेस्ड सेशन कवर किए थे जिसमें स्टैटिक जीके वाला पार्ट हमने कवर किया था। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है? तो स्पोर्ट्स में मैंने आपको बोला था कि लगभग हम लोग 3 सेशन करने जाएंगे, तो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, आज हम लोग थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। और इसमें लगभग जितने भी आपके लास्ट, आप ये मान करके चलिए कि 6 to 8 मंथ का करंट स्पोर्ट्स का पार्ट है, वो पूरा का पूरा मैंने इसमें कवर कर दिया। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार, यस वेरी गुड मॉर्निंग। और 11:10 भी आ चुके हैं हमारे साथ, सीवी भी आ चुके हैं, यस गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखेंगे हम लोग कि आज का सेशन का कौन सा है क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी दोस्तों जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट होते चले जाएं, तो जी हाँ दोस्तों सभी ने लाइक बटन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है? एवरीवन जितने भी कनेक्ट हो चुके हैं प्रेस द लाइक बटन, और अगर हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए हमारा विक्ट्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और बेस्ट टीम मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है? ये याद रखिएगा, जो इस समय आप कह सकते हैं कि डिफरेंट आप इधर उधर जगह पर भटक रहे हैं, तो दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म में से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है इस समय टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग, बेस्ट फैकल्टीज के साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। और चल रहा है ऑफर का महोत्सव सेल, तो बिल्कुल आज सेकंड लास्ट डे है, फायदा जरूर उठा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक होगी, यूज कर लेना कूपन कोड SHIVKT और इनरोल कर लीजिए कोर्स को और जुड़ जाइए हमारे साथ प्रिपरेशन में। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बात करने जाए तो यही पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण पूछा जा रहा है। और अभी आपको मालूम होगा कि रिसेंट में किया गया था कौन सा, हाल ही की अगर मैं बात करने जाऊं तो रिसेंट में किया गया था चौथा और पांचवा। पांचवा आपने पढ़ा होगा कि ये जो फिफ्थ थे इन सभी को होस्ट किया था किसने, मध्य प्रदेश ने, और इसका टैगलाइन रखा गया था बिल्कुल दिल धड़कने दो, ठीक है? दिल धड़कने दो, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है? पूछा गया है, मैं तो बस यूं ही आ गया था। अच्छा, आप यूं ही आ गए थे, कोई बात नहीं, आप आए बाहर आई, यूं ही आते रहिए और यूं ही हम आपका स्वागत करते रहेंगे, है ना? चलिए दोस्तों, तो आकाश ने आंसर दे दिया है, सौरभ ने आंसर दे दिया है, बाकी सभी लोगों के आंसर का इंतजार। सो चलिए गाइस, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे कि जी हाँ, बात हो रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे पहला संस्करण कहां पर हुआ था दोस्तों। पांचवा जो अभी रिसेंट में हुआ था मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पांचवें संस्करण की अगर हम लोग बात करने जाए तो ये हुआ था आपके कहां पर, कोई बता सकता है दोस्तों? एनीवन, कोई भी मुझे जानकारी दे सकता है क्या इसके बारे में? कोई भी कैंडिडेट, एनीवन देख लेते हैं कि कितने लोग इसके बारे में सही जानकारी दे पाते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना? और ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो लोकेशंस बतानी है आपने, ठीक है? पहले इंडिया, खेलो इंडिया, तो आपको मालूम है कि अभी हाल ही में ये नए ही स्पोर्ट्स आपके शुरू हुए हैं और इन स्पोर्ट्स में अगर आप देखने जाओ तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम लोग इसमें कंडक्ट कर रहे हैं और ये नेशनल लेवल के सभी बेहतरीन खेलों में से एक है, आप कह सकते हैं नेशनल लेवल के सभी बेहतरीन खेलों में से एक है।
तो अगर इसकी आप लोकेशन की बात करने जाओगे ना, इसकी लोकेशंस की बात करने जाएंगे तो ये है कौन सी दोस्तों, नई दिल्ली। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण है 2018 में होस्ट किया गया था और 2018 में सबसे पहला एडिशन हुआ था। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले संस्करण की। और ये हुआ था जनवरी 2018 में दोस्तों, और कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में। इसके बाद अभी मैंने आपको पूछा दोस्तों कि ये चौथा आपसे पूछा जा सकता है और पांचवा पूछा जा सकता है। तो पांचवें का तो मध्य प्रदेश था दोस्तों, आपने पढ़ा था, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वैसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है दोस्तों, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट किए हैं उत्तर प्रदेश ने और यूथ गेम्स होस्ट किए थे किसने, मध्य प्रदेश ने दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जी हाँ, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया हुआ था दोस्तों। भारत से लगभग 16 खेल थे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के किए गए और लगभग 6,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था और हरियाणा सबसे टॉप पोजिशन पर रहा था, लेकिन अभी हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों की आपस में बहुत बड़ी टक्कर रहती है, कभी महाराष्ट्र आगे और कभी आपका कौन सा रहता है, हरियाणा आगे। तो अब जो वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश में हुए थे इसमें महाराष्ट्र आगे था, हरियाणा दूसरे नंबर पे था और जो होस्ट स्टेट था आपका मध्य प्रदेश वो तीसरे स्थान पर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पांचवां संस्करण है ये ऑलरेडी जनवरी में 2023 में मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा, ये आयोजित किया गया और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल यानी कि कितने, 56 गोल्ड मेडल और हरियाणा ने दोस्तों 41 गोल्ड मेडल और मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये जो अभी वर्तमान में हुआ था ये कौन सा था, पांचवा। अब देखिए मैं आपको सभी वन बाय वन बता देता हूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पदक तालिका तो बता दी कि सबसे टॉप पर हरियाणा, उसके बाद आपका सॉरी महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब और केरला। तो अभी जो आपका हुआ था ये पांचवा संस्करण था, पांचवें संस्करण में 27 खेल शामिल किए गए थे। तो आपने पढ़ा होगा जो गातका, कलारीपयट, टूथांग था, है ना, और साथ में मलखंब के बारे में, मलखंब को भी जोड़ा गया था, काफी इंपॉर्टेंट था और लगभग 5,000 एथलीट्स ने अलग अलग क्षेत्रों से इसमें पार्टिसिपेट किया और टॉप रहा था मेडल्स में वो आपका कौन सा, महाराष्ट्र, 56 गोल्ड के साथ, 55 याद रखेगा दोस्तों सिल्वर मेडल के साथ और 50 टोटल कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ी तुलिका मान के पेशेवर खिलाड़ी कौन है, जरा बताएगा कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन तुलिका मान इज प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ, ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है। पूछा गया है कि सर आप बहुत, जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे और नहीं पढ़ा होगा तब तो फिर डिफिकल्ट होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, है ना। और गाइस जो भी लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं लाइक बटन को जरूर प्रेस करते चले जाए और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करते, ठीक है, सो दैट बाकी के मित्र भी आपको इसको सेशन को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको आपके साथ टारगेट रखा है कि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कर दूंगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो तुलिका मान है ये 78 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं, 78 कैटेगरी में। अब ये पूछी क्यों गई है, रैंडम नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि इन्होंने 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था लंदन यूके में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था दोस्तों, समझ में आ गया। हरियाणा के सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती है, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने लगभग 10 साल की उम्र में जूडो की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस खेल से जुड़ी हुई है, ये जूडो से जुड़ी हुई है, 78 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं, सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2022 के, जी हाँ 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें क्या जीता हुआ था, सिल्वर मेडल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दरअसल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वन इज द राइट आंसर। और कभी आपको पूछा जाए दोस्तों की 2022 का, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, वन याद रखिएगा सिल्वर मेडल, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था किसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जी हाँ, इन कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है याद रखिएगा ये कौन सा है, 2022 का है और ये हुआ था कहाँ पर, लंदन यूके में दोस्तों, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। और 2026 में अब जो होने वाला है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको होस्ट करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा यार कौन नहीं जानता मनिका बत्रा के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट आप कई जगह पर इनका
आप एड भी देखते रहते होंगे मन का बत्रा का। तो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी या क्रिकेट, सभी लोग जरा बताएगा। यूएफ मोटिवेशन आ चुके हैं, अरविंद जी भी आ चुके हैं, सौरभ जी भी आ चुके हैं, अदनान, तो जरा बताएगा गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मनिका बत्रा किससे जुड़ी हुई है दोस्तों एवरीवन? तो देखिए इसमें दिया गया है इसका जो सही आंसर है टेबल टेनिस। जी हाँ, टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, जिसके इन्वेंशन के बारे में माना जाता है दिया गया। और ये लगभग जो है अडॉप्ट किया गया कब, 1921 और 22 के आसपास। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको नाम दिया जाता था, इसका जो पुराना नाम था पिंग पोंग था, याद रखिएगा। अगर कभी पूछा गया कि विच वॉज द ओल्ड नेम ऑफ द टेबल टेनिस, सो टेबल टेनिस आप याद रखिएगा प्रीडोमिनेंटली नोन एज पिंग पोंग। ठीक है, पिंग पोंग है ना, तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या था, पिंग पोंग था। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है याद रखिएगा, वो है आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको हाँ, टेक्निक्स की बात करने जा रहे हो तो ठीक है। तो मनिका बत्रा काफी इंपॉर्टेंट, जो दिल्ली से बिलोंग करती, और इन्होंने भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपके मेडल्स वगैरह जीते हुए। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीते हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा जा रहा है कि अमन सहरावत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सो अमन सहरावत रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, बॉक्सिंग है, हॉकी है, जवेलाइन थ्रो है, या फिर रेसलिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए गाइस, बीच में बफरिंग हो रही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, इज देयर एनी काइंड ऑफ बफरिंग और एवरीथिंग इज फाइन। चलो मैं इसको देख लेता हूँ कि इज देयर एनी बफरिंग और एवरीथिंग इज फाइन। जी हाँ, थोड़ी सी बफरिंग है, यस 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 यस, मे बी मे बी मे बी मे बी। चलिए गाइस, अभी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ ठीक है, अभी आई होप की क्लियर है, और अभी बफरिंग ठीक होगी, मतलब बफरिंग के इतना कोई इश्यू नहीं होगा, तो सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे, देख लिया जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अमन सहरावत की बात की जाए तो अंडर 23 वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में जो स्पेन में हुई थी, ये पहले रेस्लर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने तो मतलब अपनी एक बात ही अलग है ना, और मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है ना। साथ ही में अगर मैं बात करने जाऊं दोस्तों, तो इन्होंने जूनियर यूरोपियन में भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं ये। ठीक है, और इन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ था, और अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। तो ये दोस्तों जो जुड़े हुए हैं आपके किससे, रेसलिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यस दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ही इज एसोसिएटेड विद द, किसके साथ जुड़े हुए हैं, रेसलिंग। ठीक है, अभी तो आवाज आ रही है ना, नाउ वॉइस इज ओके, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा क्या अभी आवाज आ रही है, अभी भी वॉइस का क्या कोई किसी प्रकार का इश्यू है गाइज एवरीवन?
तो प्लीज 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 एक बार कंफर्म कीजिएगा। आई होप कि ना वॉइस इज क्लियर, देर इज नो प्रॉब्लम इन द वॉइस। ठीक है, अभी सब कुछ फाइन है, चलिए सारी चीजें ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। पूछा गया है कि पुलेला गोपीचंद निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए? पुलेला गोपीचंद फुटबॉल के साथ हैं, बैडमिंटन के साथ हैं, एथलेटिक्स के साथ हैं, या फिर बास्केटबॉल के साथ? पुलेला गोपीचंद, ये नाम कुछ पहला नाम नहीं है, मतलब नया नाम नहीं है, बहुत ही पुराना नाम है। खेल जगत से अगर मैं बात करने जाऊं, खेल जगत से जुड़ा हुआ बहुत ही पुराना नाम है। तो पुलेला गोपीचंद की बात की जा रही है, जरा बताइएगा। ठीक है, देखिए जैसे चेस की बात करते हैं, तो चेस में अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? डी गुकेश, बहुत ही प्रसिद्ध। विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा के बारे में बात करते हैं, पेंटाला हरिकृष्णन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में चेस से जुड़े हुए हैं वो आर प्रज्ञानंदा पढ़ के जाइएगा, डी गुकेश, कार्तिकेयन के बारे में अभी आपने पढ़ा होगा जिस समय न्यूज में चल रहे हैं, और कौन से हैं आपके? विश्वनाथन आनंद वर्तमान में, डी गुकेश, कार्तिकेयन, विश्वनाथन आनंद। क्रिकेट की तो यार आप सभी जानते ही होंगे ना, क्रिकेट के बताने में अब क्या। हॉकी की बात करने जाए दोस्तों, तो धनराज पिल्ले और मेजर ध्यानचंद, मनप्रीत सिंह, ठीक है, और सरदार सिंह। बट बात की जाएगी बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदंबी, अपर्णा पोपट और ज्वाला गुट्टा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बैडमिंटन से कौन कौन से लोग पूछे जा सकते हैं? ज्वाला गुट्टा पहला हो गया, दूसरा है श्रीकांत किदंबी हो गया, फिर अपर्णा, ठीक है, पोपट, फिर है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल हो गए, और पुलेला गोपीचंद। तो बिल्कुल जो सही आंसर है, आई होप कि सभी लोगों ने इसमें सही आंसर किया है। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? यस, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दे दिया। पूछा जा रहा है भारतीय खिलाड़ी, तो ये हो आंसर है, दैट इज अ ऑप्शन, जी हाँ, दैट इज अ सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अपेक्स नेशनल स्पोर्ट बॉडी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कौन सा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो साई इसका फुल फॉर्म जरा बताएगा दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आप लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है 19 कब हुई थी? 84 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंडर में, जो इस समय वर्तमान में मिनिस्टर हैं आपके अनुराग ठाकुर साहब। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है, अनुराग ठाकुर साहब इसके मिनिस्टर हैं। 1984 में स्थापना हुई, 1984 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1984 में जो सफलताएं हैं, सबसे पहली सफलता कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, दूसरी सफलता क्या है कि भारत से राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करके आ गए, तीसरी सफलता क्या है कि कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चल दी गई। ठीक है, लेकिन दो हमारे लिए इसमें एक मतलब कह सकते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल अपडेट थे, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, मेथिलआइसोसाइनाइड गैस का लीक हो जाना, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो जाना भोपाल मध्य प्रदेश में, और एक आपने पढ़ा होगा ब्लू स्टार ऑपरेशन। ठीक है, 1984 में हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज आई होप कि आप समझ चुके होंगे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट 1984, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जरूर पढ़ के चले जाएगा दोस्तों, कहां पर है? नई दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करने जाए, कभी पूछा गया कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर आपको पूछा गया कि हु इज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में कौन पढ़ने जाएंगे? एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें क्लियर है, 1984 हमने डाल दिया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर डाल दिया दोस्तों। ठीक है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। और अगर कभी इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, तो एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, जो पीएम होता है ये क्या होता है? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, क्या पढ़ के जाएंगे? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आपने पढ़ा है ना कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इन द राज्यसभा, तो जो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उसी प्रकार से हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है, किसका? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हमारे लिए दो यादगार पल है, एक 1983 का और एक यादगार पल है 2011 का। क्या 2023 भी हमारे लिए यादगार पल होगा? ये एक बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या हो पाता है। फिलहाल तो इंडिया ने, टीम ने आठों के आठों मैच जीत लिए हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जी हाँ दोस्तों, ये जीता गया था किसके द्वारा? वन बाई इंडिया। तो इंडिया ने 2011 में और 1983 में विश्व कप जीता हुआ है, बट ये आयोजित कहां पर किया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, तो जरा बताएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, इट वॉज होस्टेड बाई द इंग्लैंड। ठीक है, ये हुआ था इंग्लैंड में, बात हो रही है जून मतलब के मंथ में 1983 में ये हुआ था दोस्तों। ठीक है, और आठ टीमें इसमें पार्टिसिपेट की हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आठ टीम ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने, वेस्ट इंडीज ने,
इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका ने और जिम्बाब्वे ने। और याद रखिएगा दोस्तों, जिम्बाब्वे ने डेब्यू किया था, मतलब 1983 में जिम्बाब्वे ने डेब्यू किया था टीम ने, और जिम्बाब्वे की टीम भी बहुत अच्छा खेलती थी, बट इस बार तो जिम्बाब्वे है ही नहीं, आपको मालूम है कि बाहर है, वेस्ट इंडीज भी बाहर है। तो ये जो बड़ी बड़ी टीमें थी, मतलब वेस्ट इंडीज बाहर हो गई सोचो, तो ये जो 8 टीम थी, इंडिया थी, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे बाहर, वेस्ट इंडीज बाहर। तो वेस्ट इंडीज इसमें डिफीटेड कंट्री थी, सेकेंड रनर अप था, लेकिन जो जीता गया था मैच आपको मालूम है वो जीता गया था किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे आपके कौन से, कपिल देव साहब दोस्तों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और कपिल देव साहब यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार की चैंपियन आपके वेस्ट इंडीज को पराजित कर दिया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां तक जो करेक्ट आंसर है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे, तो आंसर हो जाएगा जी हाँ, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। और इस बार आपको मालूम है कि इंग्लैंड पदक मतलब टोटल पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है इन बैडमिंटन, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द डबल्स कोर्ट शैल बी, बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, इसका सही आंसर जरा बताइएगा। पूछा गया है दोस्तों कि बिल्कुल, तो ऑलरेडी मैंने आपको एविएशन से जुड़े हुए करंट अफेयर कराए हुए हैं, अगर आप कुछ वीकेंड को उठा करके देख लें तो मैंने पूरा 1 साल का करंट अफेयर कराया है एविएशन का, आपको इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी कराए हुए हैं एविएशन पर, मैं आपके लगभग अभी तक 4 सेशन ले चुका हूं, और आने वाले टाइम में भी एविएशन पर मैंने बहुत सारे सेशन कंडक्ट करने हैं। ऑलरेडी जितने भी आपके सभी 28 स्टेट्स के एयरपोर्ट हैं, नेशनल इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक, वो कवर कर चुका हूं। अब मैं आपकी एक अलग नई सीरीज चलाने जा रहा हूं जो एविएशन से जुड़े हुए सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करेगी, सो डोंट वरी, एविएशन का पूरा पार्ट हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस बार डबल एटीसी में मचाएंगे यार, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। तो राइट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन कौन सा, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है, सो निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है, जरा बताइएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, फ्रंट स्ट्रोक है, लेग स्ट्रोक है, या फिर बैक स्ट्रोक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे एवरीवन, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाइए यार, ठीक है। सभी को मालूम है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक आपका जुड़ा हुआ है तैराकी से, बटरफ्लाई, और ब्रेस्ट स्ट्रोक आप किससे पढ़ते हैं, तैराकी से ही तो पढ़ते हैं ना, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज अ लेग स्ट्रोक, ठीक है। तो देखिए ये इसका स्विमिंग में, तैराकी में कोई तो मतलब इंपॉर्टेंस है ही नहीं, है ना, इसका तैराकी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेग स्ट्रोक का, है ना। तो ये किकिंग से जुड़ा हुआ है, ब्रेस्ट स्ट्रोक आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है, जो स्विमिंग से जुड़ा हुआ होता है ना, जिसमें आप अपने चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं मतलब तैरने के लिए, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और तो नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसमें और कोई कर सकते हैं बाकी, और ऑलरेडी 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 यस 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 यस, तो बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, और इसमें क्या कह सकते हैं, आंसर इज वेरी क्लियर, पूछा गया है मान स्ट्रोक नहीं है, दैट इज अ ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब तैराक एक लाइन से दूसरे लाइन पर पहुंचता है और जब रिटर्न हो रहा होता है तब जरूर पैर का इस्तेमाल करता है ज्यादा से ज्यादा स्पीड को गेन करने के लिए, तब आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेग स्ट्रोक जैसा, लेकिन कोई एक मान्य स्ट्रोक नहीं है दोस्तों, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक इस्तेमाल किया जाता है, फ्रंट यूज किया जाता है, बैक स्ट्रोक यूज किया जाता है, ये तीनों शब्द आपके तैराकी में इस्तेमाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज वॉज अ फेमस ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर ऑफ इंडिया, मेजर ध्यानचंद है, टीशी योहन्यान है, या फिर महेश भूपति है, या फिर है मिल्खा सिंह, जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। एवरीवन इज द राइट आंसर, ठीक है। रोहित जी का आंसर आया था इस क्वेश्चन में, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं भाई, बाकी को क्या हो गया, सभी लोगों ने आंसर करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो कैंडिडेट ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पूछा गया है सबसे फेमस ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर के बारे में, और वो एक ही है जिनको आपने एक मूवी में देखा है, भाग मिल्खा भाग में, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। कभी भी पूछा गया दोस्तों हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, तो ये हैं आपके मिल्खा सिंह, ठीक है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 3 बार, 1956 के ओलंपिक में, 1960 के ओलंपिक में, और 1964 के ओलंपिक में। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक 3 times, 1956, 1960 and 1964, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, मल्टीपल गोल्ड जीते हुए एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है।
बट इनका जो सपना था गोल्ड जीतने का ओलंपिक में अधूरा रह गया था, और उस सपने को पूरा किया आपके नीरज चोपड़ा साहब ने, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता 2020 के ओलंपिक समर ओलंपिक में जापान में दोस्तों, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने कई आपके नेशनल रिकॉर्ड भी स्थापित किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो काफी आसान है। मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो दोस्तों आपके हॉकी से जुड़े हुए हैं। टीसी योहानन की बात की जाए तो ये लॉन्ग जंपर थे, और महेश भूपति जो है आपके, ये आपके टेनिस प्लेयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति इसमें स्प्रिंटर है, धावक है, वो कौन है, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिंह दोस्तों, ठीक है। क्रिकेट में गेंद को जमीन के साथ सीमा पर मारना रन है, जरा बताइएगा, इन क्रिकेट हिटिंग द बॉल टू द बाउंड्री अलोंग द ग्राउंड इज नोन एज। तो दोस्तों अगर कोई ये अपने आप में आसान सा सवाल, मतलब बाउंड्री तक भी पहुंच जाती है और एक बार जमीन पर टप्पा भी खा के पहुंचती है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बैट से टकरा करके बॉल निकली और वो जमीन में एक बार टच कर गई, उसके बाद ग्राउंड पार कर गई, तो आप इसको क्या मानेंगे, एक रन मानेंगे, दो रन मानेंगे, छह रन मानेंगे या चार रन मानेंगे? और ये आपके जो अंतरराष्ट्रीय आईसीसी के नियम है उनके अनुसार बताना है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलेंगे सर हम तो गली मोहल्ले में अगर जमीन में टप्पा खाके भी दूसरी दीवार पे लग जाती थी तो दूसरे के दरवाजे पे लग जाती तो छह रन मान लिया करते थे, आउट मान लिया करते थे, वो रूल्स नहीं यहाँ पे, समझ लें दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आई होप कि सभी को मालूम है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर, ठीक है। चलिए बोल रहे हैं आठ रन माने जाएंगे, चलिए मिस्टर चलिए दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। तो कौन सा खेल 11 खिलाड़ियों से बनी दो टीमों के बीच खेला जाता है, 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 बोलते रहते होंगे दोस्तों कि यस नाउ दिस प्लेयर इज द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, ठीक है। तो प्लेइंग 11 किस टीम में होते हैं, देखिए जरा बताइएगा, विच वन इज राइट। स्विमिंग में तो कोई टीम होती नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन का है, वन बाई वन पर्सन होते हैं दोस्तों, ठीक है। बास्केटबॉल में कह सकते हैं फाइव प्लेयर है ना, टेबल टेनिस में चार प्लेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात की जाऊं टेबल टेनिस, तो आपने क्या बोला कि चार प्लेयर है ना, यहाँ पे चार होते हैं, बास्केटबॉल में आपके पांच होते हैं, और क्रिकेट में कह सकते हैं दोस्तों 11 होते हैं, तैराकी में तो दोस्तों एक ही पर्सन होता है, कोई टीम वगैरह नहीं होती कि 10 लोग या 12 लोग मिलकर के एक साथ तैर रहे हैं, नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। और क्रिकेट को बोलते हैं कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ द जेंटलमैन, लेकिन कल का जो साकिब उल हसन का टाइम आउट था मैथ्यूज को, एंजेल मैथ्यूज को करना, वो थोड़ा सा एक काफी दुखा भरा अपडेट है जो इस समय काफी डिस्कशन में किया जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तो ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, ठीक है। जरा बताएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरीवन जरा बताइएगा। देखिए जब भी कभी कभी एग्जाम में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी आ जाती है, कौन सी पर्टिकुलर जो वर्ड है, जो मतलब वर्ड है जो आपका किसी खेल से जुड़ा हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट। और इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, जैसे आपने क्रिकेट में पढ़ा होगा देर आर मेनी वर्ड्स, ठीक है, गली पॉइंट है ना, आपने पढ़ा होगा डेड बॉल होती है, यॉर्कर होता है, तो इसमें भी कई वर्ड यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से ड्रिबलिंग जो वर्ड यूज किया जाता है ये बास्केटबॉल में यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इसमें ड्रिबलिंग में होता क्या है कि आप एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हो हाथों के और आंखों के बीच में, है ना, तो आपका सामने वाली खिलाड़ी के साथ अपने हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर होता है, क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड एजिलिटी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ये किसमें किया जाता है, बास्केटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन वन इज राइट, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए और 2021 में खेले गए, भारत ने कुल कितने पदक जीते, जरा बताइएगा भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ओलंपिक की बात हो रही है तो आपको मालूम होगा कि एक गोल्ड आया था हमारे पास, देयर वाज अ वन गोल्ड, ठीक है, और टू आपने पढ़े होंगे क्या थे, सिल्वर, एक गोल्ड था, दो सिल्वर थे, 1, 2, 4, और फोर क्या थे आपके पास, ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो एक गोल्ड था, दो सिल्वर थे और चार ब्रॉन्ज थे, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट। सो विच वन इज राइट, तो अभी ऐड करके बता दीजिए यार कितने थे सभी, सिंपल ही है ना, कितना हो जाएगा, दैट इज अ 7, है ना। तो याद रखिएगा अगर ओलंपिक की बात करोगे ये वाला 2000 हम लोग इसकी बात करने जाए तो आपको मालूम है कि ये होस्ट किया था किसने, जापान ने ना,
हाँ जापान की तो बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक में आप थे 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल कितने 7। और पैरालंपिक की बात करने जाओगे दोस्तों, तो पैरालंपिक में टोटल जो मेडल थे वो 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 आपके क्या थे दोस्तों, याद रख के जाइएगा, 6 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो अगर आप इसमें काम करने जाएं तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने थे, 19 दोस्तों। ठीक है, हाँ, यस 19 टोटल मेडल, और यहाँ पे कितने टोटल, 7। ठीक है, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन किसी बात का, सभी को क्लियर है। अभी होने वाले हैं कहाँ पर, फ्रांस में, तो अभी आपको मालूम है कि फ्रांस में होने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड मेडल जीता था किसने, आपको मालूम ही होगा कि नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे जेवलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल में आपकी मीराबाई चानू है ना, वेट लिफ्टर रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे। और जो ब्रॉन्ज मेडल थे आपके 4, वो आपके मतलब बॉक्सिंग में लवलीना बोरगेन, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया रेसलिंग में और हॉकी टीम। तो आपके पास 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा का, 2 सिल्वर, सिल्वर में याद रखिएगा मीराबाई चानू, और दूसरी आपकी रवि कुमार दहिया रेसलिंग और किसमें आया था, वेट लिफ्टिंग में, और 4 ब्रॉन्ज जिसमें लवलीना बोरगेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया आपके रेसलिंग में, और हॉकी टीम मिलकर के आपका भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। ठीक है, तो सब कुछ आसान है, सिंपल तो है नहीं, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए, चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था। अब यार इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, बहुत ही सिंपल है, तो जरा बताएगा कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा था इसका टैगलाइन रखा गया था, दिल धड़कने दो, क्या टैगलाइन रखा गया था, दिल धड़कने दो है ना, और पहला आपने पढ़ लिया था नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। ये अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करके आया था दोस्तों है ना, कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेशन किया है इसमें। तो सबसे पहला हुआ था आपका कहां पर, नई दिल्ली में, फिर इसके बाद आप पढ़ते हो सेकंड एडिशन वेस्ट बंगाल में, फिर आप पढ़ते हो दोस्तों थर्ड एडिशन कहां पर, उत्तर प्रदेश में, फोर्थ पढ़ते हो दोस्तों कहां पर हुआ, केरला में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा है ना, और उसके बाद हुआ कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आई होप की क्लियर है। और इसमें सबसे टॉप पर रही थी महाराष्ट्र, उसके बाद आपने पढ़ी थी हरियाणा, और उसके बाद कौन सा था, मध्य प्रदेश। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। पूछा जा रहा है 2022 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप यानी कि 18वीं की जो मेजबानी है वो निम्नलिखित में से किस देश ने की है, जापान ने, कतर ने, यूएसए ने या फिर कोलंबिया ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा जरा, विच वन इज राइट, दोनों को पढ़ के चले जाएगा दोस्तों। जो राष्ट्रीय खेल है नेशनल, अगर कभी भी पूछा गया जो स्पोर्ट्स है वो ऑर्गेनाइज किए, नेशनल जो गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं गोवा के द्वारा, पहले से किए गए थे गुजरात के द्वारा, यूनिवर्सिटी गेम्स जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो इस समय यूपी ऑर्गेनाइज कर रही है, और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप की सारी चीजें सिंपल है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और कोलंबिया ने तो आज तक होस्ट नहीं किया है, कतर ने जो होस्ट किया था ये दोहा में 2019 में, जापान आपका कर चुका है 2 बार, एक बार 1991 में, फिर 2007 में। ठीक है, इस बार लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, यूएसए है दोस्तों। ठीक है, इस बार जो करेक्ट आंसर है दर्जा यूएसए है दोस्तों, और सबसे पहले हुआ था ये 1983 में दोस्तों। ठीक है, 1983 में, ठीक है, जो अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन यस 1 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में मिनॉर्का स्पेन में अंडर 10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से थे, जरा बताएगा किसका राइट आंसर क्या होगा, विच वन इज राइट। एवरीवन, सभी लोग इसका सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। कोनेरू हम्पी है, विश्वनाथन आनंद है, विदित संतोष गुजराती है, या फिर पी हरिकृष्णन। और दोस्तों पूछा गया शतरंज में तो पी हरिकृष्णन। ठीक है, देयर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सर्वाधिक रन बनाए। तो आपको मालूम है कि 1983 का जो मैच है ये लंदन में हुआ था, और हम लोगों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को पराजित किया था, जिसमें जिम्बाब्वे का क्या था, डेब्यू था। और भारतीय क्रिकेट टीम को जो लीड कर रहे थे वो कौन लीड कर रहे थे, जी हाँ, जिनको आप क्या नाम देते हैं, हरियाणा हरिकेन, कपिल देव जी दोस्तों। ठीक है,
तो उसी पे डिस्कशन हो रहा है, तो जरा बताएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कपिल देव टीम के कैप्टन थे जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप को लीड किया, और इन्होंने टोटल 303 रन बनाए थे टूर्नामेंट में, ठीक है, जो अभी तक के सबसे हाईएस्ट रन माने जाते हैं किसी भी भारतीय खिलाड़ी के, मतलब अभी तक तो नहीं माने जाते दोस्तों। और कपिल देव ने 175 की इनिंग खेली थी अगेंस्ट द जिम्बाब्वे, ठीक है, याद रखिएगा, जो अपने आप में एक हिस्ट्री बन गया और एक बहुत हाईएस्ट स्कोर के तौर पर, बेस्ट इनिंग के तौर पर जाना जाता है, नॉट आउट 175, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने 12 विकेट भी लिए थे 8 मैच में, यानी कि 3.71 की इकोनॉमी रेट से दोस्तों, है ना, और साथ ही में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन्होंने विश्व कप को जिताया था। तो कपिल देव, जिनको आप हरियाणा हरिकेन के बारे में जानते हैं, 1983 में भारतीय टीम को लीड भी कर रहे थे और भारतीय टीम में बेहतर अपना योगदान देते हुए इन्होंने टोटल 8 मैचेस में 12 विकेट लिए 3.71 के इकोनॉमी रेट से। नाबाद मैक्सिमम रन बनाए आपके जिम्बाब्वे के खिलाफ 175, और ओवरऑल रन बनाए कितने, 303 दोस्तों, ठीक है, 303, ठीक है, आई होप कि सभी इसमें क्लियर होगा। और एस एम पाटिल जो है, एस श्रीकांत है, और एस एम जो गवास्कर है, ये मतलब उसके पार्ट जरूर थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्कोर इन्होंने खड़ा किया हो, ठीक है। अगले सवाल पे देखो हम लोग चल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है, विच वन इज राइट, एवरीवन जरा बताएगा कि सही आंसर क्या हो। 264 सेंटीमीटर है, 780 सेंटीमीटर है, 274 है, 270 सेंटीमीटर। गाइज क्या क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, प्लीज एक बार मुझे बताइएगा, प्लीज लेट मी नो, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट है तो भी बता दीजिएगा, और ऐसे सिंपल है तो भी बता दीजिएगा, सो दैट मैं इनको मतलब थोड़ा सा इनका लेवल बदलने का प्रयास करूंगा, बट हाँ मुझे बताइएगा जरूर एवरीवन, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की संख्या लगातार कम हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज 274 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल कुछ शब्द हैं जो किससे संबंधित है, तो दोस्तों जरा बताइएगा कि ये जो नाम है ये आपके नाम किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी खिलाड़ियों के नाम इसमें दिए गए हैं, एवरीवन जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट। पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स एंड वॉल्टिंग टेबल, ठीक है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज द यहां ऑप्शन वन इज राइट। रोमन रिंग्स तो आप सभी जानते ही होंगे ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है किस भारतीय क्रिकेटर को दावाल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इस समय ये क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच है, ही इज द हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और इन्होंने भाई साहब कई बार अपने टुक टुक करके कई देश के खिलाड़ी के बॉलरों को तो ना रुला देते थे, सो अख्तर तो बिल्कुल इनके सामने रो देते थे, बोलते थे भाई साहब आप रन बना लो मेरी गेंदों पर, भले ही आप चौके छक्के मार दो लेकिन टुक टुक मत करो, क्योंकि सो अख्तर का जो रनर अप था वो बहुत लंबा था, बहुत दौड़ से दूर करके बेचारे आते थे, बॉल फेंकते थे, और ये जो राहुल द्रविड़ साहब थे टुक करके उसको रोक लेते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे, हम लोग बात कर रहे होंगे दोस्तों किसकी, राहुल द्रविड़ की, ठीक है, जो वर्तमान में आपके क्या है भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, जैसे आपने लाला पढ़ा होगा, जम्बो पढ़ा होगा, और हरियाणा हरिकेन पढ़ा होगा दोस्तों, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके 10,000 से ज्यादा टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट मैच में रन है, और भारतीय आप कह सकते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, ठीक है, थीके? और कई बार इन्होंने बेहतरीन विकेट कीपिंग का भी काम किया हुआ है, तो इनके नाम याद रखिएगा, एक्सीलेंट स्लिप कैचिंग एंड 210 कैचेस के आसपास इनके नाम पर है दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एमएस धोनी ये कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, कपिल देव जिनको आप हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जिनको आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, जिनके रिकॉर्ड की अभी बराबरी कर ली है किसके द्वारा, विराट कोहली के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन यस, सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि इन द स्पोर्ट ऑफ विच स्पोर्ट टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच अटेम्प्ट टू स्कोर पॉइंट्स बाय पुटिंग द बॉल इनटू हूप दैट इज 10 फीट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि कौन सा खेल है जिसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, तो जरा बताइएगा कि ये कौन सा खेल है जिसमें आपके 5 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे, अभी आप पढ़ के आए थे ना 5-4, स्विमिंग में हमने पढ़ा था 0, कोई होता ही नहीं, और क्रिकेट में पढ़े थे आपने 11। तो दोस्तों ये जो खेल है इसकी अगर हम लोग बात करने जाएं, इन्वेंट किया गया था
1891 में बाई द जेम्स नेसिस्मिथ के द्वारा। तो इसके जो अगर हम लोग इन्वेंशन की बात करने जाए तो 1891 में, ठीक है, और जेम्स नेसिस्मिथ के द्वारा इनको इन्वेंट किया गया। और इसमें पांच प्लेयर होते हैं और ये कौन सा है, बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। बैडमिंटन की बात करोगे दोस्तों तो इसमें दो या चार प्लेयर होते हैं, ठीक है। और रग्बी की बात करने जाओगे तो दोस्तों 15 प्लेयर्स की दो टीमें होती हैं, ठीक है। और लॉन टेनिस की बात करने जाओगे तो दो या फिर चार प्लेयर होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेयर्स की बात की गई है। राइट आंसर बिल्कुल क्लियर, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है, बास्केटबॉल। अगला सवाल है कि जो सिमोन बाइल्स हैं ये आपके किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट और आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्विमिंग है, बैडमिंटन है दोस्तों, जिम्नास्टिक है या टेबल टेनिस। आपने वन सभी लोग सही आंसर करके बताएगा दोस्तों। तो ये जो आपके जुड़े हुए हैं किसके साथ, जी हाँ, जिम्नास्टिक के साथ। और जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हु वन इंडियाज फर्स्ट बैडमिंटन मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है दोस्तों, ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है। और गोल्ड मेडल की बात करने जाओगे तो अभी आपने पढ़ा था किसके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है। और यहां पर बात की जा रही है दोस्तों तो ये है आपके पहला गोल्ड मेडल, जो मेडल जीता गया बैडमिंटन में, ये जीता गया दोस्तों किसके द्वारा, साइना नेहवाल। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है साइना नेहवाल। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अगर मैं बात करने जाऊंगा तो हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन कौन सा, यस थ्री इज द राइट आंसर। सबसे पहली अगर बात की जाएगी तो साइना नेहवाल को ही आप टिक करेंगे, ठीक है। साइना नेहवाल के बाद प्रकाश पादुकोण की बात कर सकते हैं और पीवी सिंधु की बात कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर अलग अलग आप प्लेयर की बात कर सकते हैं। और ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी है, है ना, लगभग इन्होंने 24 इंटरनेशनल टाइटल जीते हुए हैं, इंक्लूडिंग द 11 टाइटल्स इन द सुपर सीरीज साइना नेहवाल ने। और इनकी मतलब विश्व में ये दूसरी रैंकिंग तक पहुंच गई थी 2009 में। और 2015 में अगर हम लोग बात करने जाए ये नंबर वन रैंकिंग में पहुंच गई थी, ठीक है। और ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी थी जो आपके पहली रैंकिंग में पहुंची थी प्रकाश पादुकोण के बाद, ठीक है। और तो दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश पादुकोण और साइना नेहवाल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इंडिया को 3 बार रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक में और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं उसमें, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, देख करके जरूर जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो श्रीकांत केदम्बी है ये भी आपके वर्ल्ड रैंकिंग वन में रह चुके हैं, है ना, बैडमिंटन में 2018 में। पुलेला गोपीचंद, हाँ, तो ये भी एक बेहतरीन कह सकते हैं खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम कितने मिनट के लिए, समय के लिए एक अस्थायी निलंबन के लिए दिया जाता है। तो आपने पढ़े होंगे, एक होता है येलो कार्ड, एक होता है रेड कार्ड, एक होता है ब्लैक कार्ड, यानी कि वार्निंग। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कुछ समय के लिए क्या लगाया जाएगा, सस्पेंशन, और उसके बाद पूरे, कई बार तो पूरे मैच, पूरे मतलब इवेंट में खेलने से ही मना कर दिया जाता है। तो येलो कार्ड वार्निंग से जुड़ा हुआ है, है ना, एक माइनर ऑफेंस के लिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। येलो कार्ड के बारे में हमने डिटेल में समझा होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन कितना है, वन इज द राइट आंसर, 5 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम में अगर पूछा गया टाइम आउट कि भाई साहब कि टाइम आउट की वजह से पहली बार आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज। टाइम आउट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक प्लेयर खिलाड़ी जो है आउट हो चुका हो और कोई दूसरा नया प्लेयर आ रहा हो और वो गेंद का सामना करने के लिए विद इन 3 मिनट में रेडी हो जाना चाहिए, विद इन 3 मिनट में रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज उसको टाइम आउट करार दे दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा गया है कि मरडेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, हॉकी से, चेस से या फुटबॉल से। इस क्वेश्चन का जरा सही आंसर बताएगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। एवरीवन गाइस, चलिए सभी लोग बताइएगा, मरडेका कप जिसकी स्थापना की गई थी 1957 में, है ना, और ये स्थापित किया गया था मलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं मलेशिया, मलेशिया की स्वतंत्रता। तो मलेशिया 1957 में स्वतंत्र हुआ और मलेशिया की स्वतंत्रता के तौर पर एक कप स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मर्डेका। और याद रखिएगा दोस्तों ये टूर्नामेंट एनुअली होना शुरू हो चुका 1988 में, ठीक है, उसके बाद फिर ये डिसकंटिन्यू किया गया।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज अ फुटबॉल, ठीक है। तो उसमें से अगर हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑप्शन यस, यस ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। और मैड्रिड का कप याद रखेगा 1957 में स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मलेशिया। मलेशिया एक और आपका हॉकी का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसका नाम है सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों, ठीक है, सुल्तान अजलन शाह, ठीक है। बास्केटबॉल जो पूछा गया है कि खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है बास्केटबॉल, जरा बताइएगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी लगते हैं। बैडमिंटन तो अभी आप पढ़ के आए हो कि 5 लगते हैं आपको दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी लगते हैं, तो दो टीम में, एक टीम में 5, एक टीम में कितने हो गए आपके 10 खिलाड़ी हो गए, तो 5-5 प्लेयर लगते हैं ना दोस्तों, ठीक है। वॉलीबॉल गेम में 6 लगते हैं, हॉकी में आपके 8 लगते हैं, क्रिकेट में आपके 11 लगते हैं, और हाफ कोर्ट गेम में कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। तो आई होप के आंसर बहुत क्लियर है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन यस, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी है जिनको कैप्टन कूल का नाम दिया जाता है, कैप्टन कूल जी हाँ, और मिल्खा सिंह है तो ये कैप्टन तो नहीं आप कह सकते, अब इनको मेजर ध्यानचंद तो बिल्कुल आप कह सकते हैं हॉकी के जादूगर, रोहित शर्मा हिटमैन का टाइटल दिया गया इनको तो हिटमैन है ना, और कैप्टन कूल एक ही है, वो कैप्टन कूल कौन हो सकते हैं, एवरीवन जरा बताइएगा किसमें से कौन खिलाड़ी हैं जो कैप्टन कूल हो जाएंगे। कैप्टन कूल का टाइटल आप एक को ही दोगे जिसका नाम क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग इनकी बात करने जाएं तो इनकी लीडरशिप में भारत ने बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, और T20 वर्ल्ड कप भी हम लोग ऑलरेडी 2007 का इनकी लीडरशिप में जीते हुए हैं ना, T20 वर्ल्ड कप, और बाकी सारी चीजें क्लियर ही है। इस समय आपके चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहते हैं जो IPL में, और जो मेजर ध्यानचंद आपने पढ़े हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इनको विजार्ड बोला जाता है, ठीक है, नोन एज द विजार्ड ऑफ मैजिशियन ऑफ हॉकी। और भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है स्पोर्ट का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 29 अगस्त इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को हम लोग स्पोर्ट्स डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाता है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल पुरस्कार मिलता है, ध्यानचंद पुरस्कार वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे देखिएगा जरा और बताएगा किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज करेक्ट। पूछा गया है दोस्तों कि एक फुटबॉल टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी फील्ड प्लेयर आर देयर इन द फुटबॉल टीम, सो विच वन इज राइट गाइस, सभी लोग करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि इसका जी हाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज करेक्ट, 12, 13, 11 या फिर 14, विच वन इज राइट। और इसमें दोस्तों टोटल खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, ठीक है, इसमें टोटल होती है खिलाड़ियों की, जो देखिए फुटबॉल की अगर हम लोग बात करने जाए तो दोनों टीमों में होती है 11, ठीक है, और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो क्रिकेट में भी 11 और फुटबॉल में भी 11। अगला सवाल, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं, 11 फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट 11। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस कि बिल्कुल आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं, इस समय हमारा एक विक्ट्री बैच है जो लाइव है, गोइंग ऑन है, तो आप विक्ट्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं, 25 तारीख से लाइव हो चुका है, EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, और अभी गोइंग ऑन है आपका सेल ऑफर का महोत्सव, तो इसके साथ कूपन कोड लगा लीजिएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी 2022 में, और आपको ये मालूम है कि इसके बाद जो करने वाले हैं 2026 में, ये करने जा रहा है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जी हाँ कैंगरूज एंड कीवीज ये करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज राइट, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बर्मिंगहम आपको मालूम होगा, और इंडिया फोर्थ पोजीशन पर रहा था, इंडिया जो रहा था दोस्तों इसमें कौन सी पोजीशन पर रहा था, फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अगला सवाल है कि प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में कब खेली गई थी, इसका टाइम पीरियड जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट, किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ये खेली गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, जो पहली फील्ड हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है बर्लिन जर्मनी में 1938 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और 1 सितंबर 1939 में जो जर्मनी होता है वो
पोलैंड पर हमला कर देता है, वो भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कितना आप टिक करने जाएंगे, 1938। जी हाँ, 1938 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला सवाल, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? वॉकर। तो क्या ये गाइज, मैं आपको दूसरी तीसरी बार नहीं है क्वेश्चन करा रहा हूं, जब मैंने आपको अलग अलग खेलों के साथ इसको समझाया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सा खेल आपके किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वॉकर कप दोस्तों जुड़ा हुआ किसके साथ? गोल्फ ट्रॉफी के साथ, ठीक है। ये जुड़ा हुआ किसके साथ? गोल्फ ट्रॉफी के साथ। सो आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? सो हाउ मेनी व्हाइट स्क्वायर आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? क्या आप में से कुछ लोग चेस बोर्ड खेलते हैं? चेस बोर्ड खेलते नहीं है तो चेस बोर्ड देखा तो होगा ना। पूछे जा रहे हैं कि दोस्तों देर आर हाउ मेनी व्हाइट स्क्वायर पूछे जा रहे हैं, और व्हाइट स्क्वायर की संख्या कितनी होती है चेस बोर्ड में? तो एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड में दोस्तों टोटल होते हैं 64 स्क्वायर, और इसमें से 32 होते हैं ब्लैक और 32 होते हैं व्हाइट। एक स्टैंडर्ड जो चेस बोर्ड होता है जिसमें टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें टोटल 32 व्हाइट होते हैं और 32 क्या होते हैं दोस्तों? ब्लैक होते वो होते हैं, मतलब स्क्वायर होते हैं। तो आई होप कि मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, है ना। और ईच प्लेयर स्टार्ट विद द 16 पीसेस, हर प्लेयर के पास 16 पीसेस होते हैं, जिसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, दो रूक्स होते हैं, दो नाइट्स होते हैं, दो बिशप्स होते हैं और 8 पॉन्स होते हैं, यानी कि प्यादे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफी आसान है, ठीक है, सिंपल है ना। सभी खिलाड़ी के पास 16 मोहरे होते हैं, जिसमें से एक राजा, एक रानी, दो हाथी, दो सूरवीर, दो बिशप और 8 प्यादे शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में जो चेकमेट वर्ड है ये आपके चेस से ही जुड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लवलीना बोरगोहेन किससे जुड़ी हुई है? तो अभी आप ये पढ़ करके आए थे लवलीना बोरगोहेन के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? ओलंपिक 2020 के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भारत को कितने मेडल मिले, तो आपने पढ़ा था 1 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिले रहे हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए थे उसमें से आपकी एक कौन है? लवलीना बोरगोहेन भी है, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है ना दोस्तों, आसाम से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये आसाम से बिलोंग करती है और 69 किलोग्राम जो कैटेगरी है, 69 केजी कैटेगरी, इसमें ये खेलती है दोस्तों, ठीक है, इससे ये बिलोंग करती है। तो आई होप कि बाकी सारी चीजें क्लियर है, अब मुझे इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फोकस करेंगे। पूछा जा रहा है दोस्तों कि रॉजर फेडरर किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? रॉजर फेडरर फुटबॉल है, रग्बी है, लॉन बॉल्स है या लॉन टेनिस है? रॉजर फेडरर, और दोस्तों ये आपके लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं, लॉन टेनिस ना, लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर रह चुके हैं ऑल द टाइम। क्या इन्होंने संन्यास डिक्लेयर कर दिया है? एनीवन? आई होप कि ही डिक्लेयर द रिटायरमेंट। और लॉन टेनिस के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनके नाम पर 20 ग्रैंड स्लैम है और सिंगल टाइटल्स हैं, है ना, 20 ग्रैंड स्लैम है और सिंगल टाइटल्स हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इन्होंने तो लास्ट ईयर ही किया था ना, लास्ट ईयर ही रिटायरमेंट अपना डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। पूछा गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? और अभी वर्तमान में बीसीसीआई के जो हेड है, जो आप यहाँ पर चेयरमैन पढ़ते हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई, तो चेयरमैन आपने पढ़े होंगे कि जो बीसीसीआई के चेयरमैन है दैट इज रॉजर बिन्नी, और सेक्रेटरी की बात की जाएगी तो सेक्रेटरी हैं आपके कौन से? जैसा है, तो जैसा है आपके सेक्रेटरी हैं, और आंसर इज वेरी क्लियर, करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1928। अगला सवाल पूछा गया है कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए? तो अभी जस्ट हम लोग ये वाला पार्ट करके आए हैं ना, कोनेरू हम्पी वाला, ठीक है। तो जरा बताएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कोनेरू हम्पी, तो ये आपकी बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से, और ये
इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं, है ना। करंट में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इनको 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री, और 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन और पद्मश्री दोनों मिल चुके हैं, अर्जुन 2003 में और पद्मश्री 2007 में दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेसी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है यार, अब इसमें बताने की क्या बात है। तो आपको मालूम है कि अर्जेंटीना से खेलते हैं ये, और फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अर्जेंटीना से खेलते हैं। और इस बार को आपको मालूम है कि इस बार का जो आपका पुरस्कार है, गोल्डन जो सू पुरस्कार है ना, वो दिया गया था, गोल्डन बूट, वो किसको दिया गया था, मेसी को ही दिया गया था। और अभी हाल ही में फ्रांस का भी एक सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है जो रिसेंट में मेसी को ही दिया गया, ठीक है। हाँ, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, और इस तरह के जो सवाल है ना, कभी कभी आप मान लीजिए कि ये प्री के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सवालों को आपने बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही करना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, और ये दोस्तों कुश्ती जो हुआ था आपके कहां पर, लंदन यूके में, बर्मिंगम, ठीक है, 2026 में होगा आप कहां पर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। बट इस बार बजरंग पुनिया आपके एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और उसके लिए कुछ जो कंट्रोवर्सी करने वाले लोग थे अपना मुंह खोल करके खड़े हो गए और उनकी बुराई करने लगे। उनके प्रदर्शन को उन्होंने जोड़ लिया जो पहलवानों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विच कंट्री होस्टेड द 1982 एडिशन ऑफ द आसियान गेम्स, इंडिया है, चाइना है, कतर है, या पाकिस्तान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा जरा कि विच वन इज द राइट आंसर, आप इसमें से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, या फिर फोर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आसियान गेम की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, 1982 में होस्ट किया था किसने, इंडिया ने, जी हाँ। इस बार होस्ट किया है किसने, चाइना ने। इस बार जो होस्ट किया है वो किया है किसके द्वारा किया गया दोस्तों, चाइना के द्वारा, ठीक है ना। इंडिया आसियान की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको आसियाड भी बोलते हो, और नई दिल्ली में भी हुआ आपका, ये है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज इसको देख करके जरूर जाइएगा। 1982 में भी नई दिल्ली में हुआ, और 1951 में भी नई दिल्ली में हुआ, और अभी हाल ही में जो हुआ है ये कौन सा 19वां जो हुआ है आपके चाइना, होंगजू चाइना में, ठीक है। तो अभी रिसेंट में हुआ है आपके होंगजू चाइना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है यार, ये तो नहीं मुझे भूलना चाहिए। आपको मालूम है कि इन्होंने पराजित किया था अभी किसको, आर प्रज्ञा नंदा को, है ना, 5 बार चेस चैंपियनशिप रह चुके हैं, और ये है शतरंज से जुड़े हुए, लेकिन बदला ले लिया गया है क्योंकि कार्तिकेयन ने और डी कुकेस ने पराजित किया है मैग्नस कार्लसन को। तो जी हाँ, मैग्नस कार्लसन जो 5 बार के चेस चैंपियनशिप रह चुके हैं, चैंपियन रह चुके हैं, इनको पराजित किया डी कुकेस और कार्तिकेयन ने, ठीक है। उस क्रिकेटर की पहचान करें जिसके नाम एक टेस्ट पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है, जरा बताइएगा। वनडे में तो देखो जो सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड चला गया वो किसके पास चला गया वनडे में, इस समय रोहित शर्मा, तो ये है आपके ब्रायन लारा, ठीक है, ब्रायन लारा के ही है ना पास। हमारे वीरू भाई तो तीसरे 3 शतक लगा चुके हैं ना, ट्रिपल सेंचुरी, और वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर भी एक अच्छा स्कोर था टेस्ट क्रिकेट मैच की बात की जाए। एक समय था जब मतलब टेस्ट का भी एक नाम हुआ करता था, और ब्रायन लारा जिन्होंने 400 रन बनाए थे शायद नॉट आउट रहते हुए 2004 में इंग्लैंड में ना, अयुब की ये सही है ना, तो 400 रनों का इनका स्कोर है। इन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रनों का स्कोर बनाया था, इससे पहले इन्होंने 375 भी बनाए हुए थे। इसके अलावा अगर आप देखने जाओ तो सहवाग का भी हमको अच्छा स्कोर मिलता है 300 प्लस का, वीवीएस लक्ष्मण 250 के आसपास भी पहुंच चुके थे, ठीक है, तो उनका भी एक बेहतरीन आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी तो सभी का क्लियर ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा और बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि उस फुटबॉल खिलाड़ी की पहचान करें जिसके नाम विश्व कप मैचों में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है, मेसी, रोनाल्डो, पेले, या फिर मिरोस्लाव क्लोज। तो एक ही है इसमें, और वो है आपके कौन से, दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। ना तो इनके आसपास आपके रोनाल्डो है, ना ही इनके आसपास दोस्तों कौन से है, मेसी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉलर है ना, जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉलर है,
और ये जो रिकॉर्ड है ये इन्हीं के नाम पर अभी वर्तमान में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जरा बताइएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है हुक पॉस किस शब्द से जुड़ा हुआ है, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, रग्बी से या बास्केटबॉल से। और हुक पास की जब भी हम लोग बात करते हैं सो इट इज एसोसिएटेड विद द बास्केटबॉल। डूरंड कप तो आपको मालूम है कि अभी वर्तमान में जुड़ा जीता है मोहन बागान ने, और डूरंड कप जुड़ा हुआ है आपका किसके साथ, फुटबॉल के साथ। तो जो सिंपल है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज, ओलंपिक की जो ज्वाला होती है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, ओलंपिक, ठीक है। तो आपने इसमें अलग अलग रिंग्स पढ़ी होंगी, मतलब जो अलग अलग कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं आपकी। और ओलंपिक की जो ज्वाला है ये प्रतीक है किस चीज का, याद रखिएगा, कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न, जी हाँ, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। मानक क्रिकेट बल्ले के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और ये किया जाता है विलो, यस दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला सवाल है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, ओलंपिक पदक, और ये सबसे पहले जीता था कौन से है, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी आपको ये भी मालूम है कि जी हाँ ये सबसे पहली प्लेयर भी है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रिसिपिएंट पुरुषों में विश्वनाथ आनंद साहब और महिलाओं में कर्णम मल्लेश्वरी। पूछा गया हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल फोर ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, जिन्होंने 8 मैचेस जीते हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर और इसका राइट आंसर है दरअसल नोवाक जोकोविच, तो बिल्कुल बेहतरीन इनका एक रिकॉर्ड है। पूछा जा रहा है दोस्तों क्या निम्नलिखित में से सही सभी सम्मिलित है, रोवर्स कप और रंगास्वामी कप। तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग बात करने जाएं आपके किसके रोवर्स कप की और रंगास्वामी कप की, तो पहले इनको देख लीजिएगा और सही आंसर करने का बताइएगा दोस्तों, ठीक है। एवरीवन कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो रंगास्वामी कप जो है याद रखिएगा हॉकी से जुड़ा हुआ है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। और ये 1928 में शुरू होता है रंगास्वामी कप। रॉबर्ट्स कप बिल्कुल आप कह सकते हैं फुटबॉल से जुड़ा हुआ है जो इंडिया में होता है दोस्तों, एनुअल हर साल होता है ना, और किसकी स्थापना 1890 में हुई और 2001 में अबॉलिश भी हो गया ये। और अभी वर्तमान में जिसकी चैंपियन है वो कौन है, मोहन बागान, ठीक है, टीम के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। पूछा गया सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं, तो अभी हुआ था 2000 कब आपने पढ़ा था 2022 में, और ये हुए थे बर्मिंगहम में। और नेक्स्ट जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके कब, नेक्स्ट की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये होने वाले हैं आपके 2026 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन कितना है, यस सेकंड 4 इयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है पूछा जा रहा है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, हॉकी है पहला, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है लॉन टेनिस। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है पूछ रहा है रिदम सांगवान को हाल ही में खबरों में देखा गया था, वे किस खेल से संबंधित है। तो चलिए गाइस बस 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम लोग रिदम सांगवान। और जब भी हम लोग रिदम सांगवान की बात करेंगे दोस्तों तो इनका संबंध है आपके शूटिंग से, हाँ ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला सवाल बोला जाए वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है, हु वॉज द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड कमबैक अवार्ड, ये किसको मिला है, और ये दोस्तों मिला है किसको, याद रखिएगा क्रिश्चियन एरिक्सन को, ठीक है, यस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला सवाल कार्लोस अल्कराज को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 का दिया गया, और ये पुरस्कार कौन सा है, तो ये है आपका याद रखिएगा वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ये शायद हम लोग कर चुके हैं, द्वितीय बार ये रिपीट हो गया है। पूछा गया डकवर्थ लुईस पद्धति, आपने पढ़ा होगा दोस्तों डकलर्स जो लुईस पद्धति है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, खेल में यूज किया जाता है खासतौर से क्रिकेट में। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जुड़े हुए हैं दोस्तों किससे, स्विमिंग से, ठीक है। और अगला सवाल है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, यह हम लोग कर चुके हैं कर्णम मल्लेश्वरी, है ना। अगला सवाल सो यहाँ पर आज का हमारा सेशन कंक्लूड होता है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।
बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका स्टार्ट हो चुका है विक्ट्री बैच। तो विक्ट्री बैच इस समय लाइव है, जो भी कैंडिडेट AAI ATC की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेस आपके समय टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर अवेलेबल है। तो और इनको इनरोल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो सेशन गोइंग ऑन है, इस सेशन को सबसे पहले तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर आपको दोस्तों जाना होगा कहां पर, डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम वगैरह यहाँ पे नहीं है बट अच्छा टेलीग्राम भी है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, और साथ में मिल जाएगा हमारा AAI का कोर्स, AAI ATC के कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज दिखना शुरू हो जाएगा। साथ में देखिएगा ऑफर का महोत्सव सेल, तो महोत्सव सेल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, महोत्सव सेल में पार्टिसिपेट जरूर करें, 90% तक का डिस्काउंट है, बिल्कुल इनरोल कर लें दोस्तों, है ना। और कूपन कोड तो मैंने आपको बता दिया है, सिंपली जब भी आप ये प्लान सिलेक्ट करने जाएंगे 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, तो आपके पास जो कूपन कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, इस तरीके से आपने अप्लाई कूपन पे जाना है। और यहाँ पे जो कूपन कोड लगा लेना है वो कौन सा है, कूपन कोड लगा लेना है SHIVKT, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट और सारे प्राइसेस के प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं हम लोग 3 बजे मास्टर क्लास में और कल इसी टाइम पर अपने YT सेशन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।